में रहती हूँ उसमें एक जमात हुआ करती थी जिसका अब वो कायद मौजूद नहीं है। वो कहता था मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। आज भी महाजिर जो आबाद है शहर में वो कहते थे हम हिंदुस्तान से आए। आज भी हम कहते हैं हम हिंदुस्तान से। मैडम अब आपने मुझे जिसको कहते हैं ना मजबूर कर दिया है। सच्चा पक्का असली जिसको सिंधी में आप कहते हैं ना मटरवा, मुझे कोई इस पे शर्मिंदगी नहीं है। आप जिसके आज मुझे अयूब बता रही है ना, ये बात मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मैंने 1992 में मैट्रिक पास किया था। बिलावल भुट्टो साहब को ये किसी ने नहीं बताया था, आपको ये किसी ने नहीं बताया। आसिफ अली जरदारी को जिसको कहते थे सब पे भारी, वो भारी आज कितना हल्का है एक अलग चीज़ है, ये किसी ने नहीं बताया था। जब आप मफाहमत का कशकोल लेकर के 90 पर वोट की भीख मांगने जाते थे तब आपको नहीं बताया था कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से आए। ठीक है हम हिंदुस्तान से आए थे तो वही मैडम लेट मी फिनिश, मजा नहीं आएगा। हम हिंदुस्तान से आए थे सो व्हाट, आपने हमें पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड दिया, हम आपके जो है वो एहसानमंद हैं और अब हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन अब आप पाकिस्तानी हमको समझिए और हमें आगे बढ़ने दीजिए। आप बार बार जब वोट मांगने आते हैं तो आपको याद आता है कि ये है वो जमात, ये है वो लोग, ये है वो शहर जिसको हमें जिससे हमें वोट लेना है, जिसके कंधे पे चढ़ के, और हम इतने बड़े गधे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हम हर मर्तबा आपको कभी नून लीग को कभी किसी और सियासी जमात को अपने कंधों पर चढ़ करके इक्तदार की राहदारियों की का मुंह दिखाते हैं। मैडम ये बात थोड़ी सी आपने नाजायज की थी। पता है सबको कि उसका उसके खून में रची बसी है मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी, और जिसके ऊपर जिसके जीतने के ऊपर कश्मीरी मुसलमान हो पूरे बरसीर के मुसलमान जो हैं वो परेशान है, सवाए हमारे वज़ीर आज़म साहब के जिन्होंने उनकी जीत की ख्वाहिश का इजहार किया था। सर थोड़ा सा मैं आपको आपको थोड़ा सा दावत उनकी भी इनकी बात दूंगा तवक्कुफ की, एक सेकंड गुजारिश एक सेकंड के लिए किसी ने सर आप आपको मैं थोड़ी सी याददाश्त की दुरुस्तगी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि जिस मोदी की बुराइयां आपको इस वक्त सेट पे बैठ के याद आ गई हैं वो उस वक्त भी कातिल था मुसलमानों का जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की पोती या नवासी की शादी में वो केक खाने आया था। एक बात, जिस वक्त आपने उसको पहाड़ की चोटी पे बुलाया था ना सजन जिंदाल को, वो उस वक्त भी लईन और मर्दूद था। मैडम 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 मेरी रोजी आप ले जाएंगी तो फिर मैं क्या ले जाऊंगा। मुझे सर एक मिनट मुझे सर 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 ये इख्तदार का हुमा जब सर से उड़ जाता है तब हक गोई क्यों सूझती है आप लोगों को ये बताइए। जी जी मुझे इजाजत दें मुझे हुजूर 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 बात ये है कि जो जो किसी मुल्क में बरसरे इक्तदार आ जाए, हिंदुस्तान में कोई काला चोर भी हो आ जाए, मोदी से कोई बदतर आ जाए, पाकिस्तानी हुकूमत ने उससे एंगेज करना है, उससे डायलॉग करने हैं, मुजाकरात करने हैं, बातचीत करनी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारा कोई हुक्मरान आज तक इस तरह के मुसलमान दुश्मन मुसलमानों के कातिल को इस तरह के दहशतगर्द की कामयाबी की दुआ उसने की हो, ख्वाहिश का इजहार किया हो। देखें जो जीत जाएगा उससे मुजाकरात करने हैं, बातचीत भी करनी है, वो डिफरेंट है। लेकिन उसकी ख्वाहिश का इजहार, उसकी जीत की ख्वाहिश का इजहार जो है दैट इज टोटली डिफरेंट मैटर। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।